हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल चोपड़ा एजुकेशन और मैं हूं हरसाई चोपड़ा। दोस्तों, सिक्किम में एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है जिसमें एमबीबीएस कोर्स के अलावा बाकी और कोर्सेज भी करवाए जाते हैं। इसके लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। इसकी फीस काफ़ी ज़्यादा होने के कारण कट ऑफ कम जाती है। मैंने पहले एक वीडियो में शेयर किया था कि जिस स्टेट में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं होती हैं उस स्टेट के कैंडिडेट सेंट्रल पूल कोटा के थ्रू अदर स्टेट के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में नीट स्कोर मेरिट पर एडमिशन ले सकते हैं। तो सिक्किम के कैंडिडेट के लिए भी सेंट्रल पूल कोटा की अदर स्टेट के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सीट रिजर्व हैं। कौन से स्टेट में कितनी सीटें रिजर्व हैं इसका मैं वीडियो बना चुका हूँ। तो सिक्किम के जो भी कैंडिडेट हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो वो सेंट्रल पूल कोटा का वीडियो देख लें, चैनल पर पड़ा हुआ है। अभी सिक्किम में जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है उसमें सिक्किम के कैंडिडेट के अलावा बाकी अदर स्टेट के कैंडिडेट भी एलिजिबल हैं। इस वीडियो के जरिए मैं आपको ये बताऊंगा कि इस कॉलेज में कितनी सीटें हैं, क्या फीस रहेगी और अप्लाई कैसे करना है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, वीडियो को लाइक व ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों, सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी सिक्किम के गंगटोक में स्थित है। यह एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। सिक्किम मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज इसकी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है। इस कॉलेज की रैंक की बात करें तो जो आउटलुक इंडिया दृष्टि सर्वे 2018 का बेस्ट मेडिकल कॉलेज का सर्वे हुआ था उसमें यह ऑल इंडिया रैंक इसकी 29 आई थी। इसके बाद में जो इंडिया टुडे सर्वे 2019 में बेस्ट मेडिकल कॉलेज का सर्वे हुआ था उसमें ऑल इंडिया रैंक 34 रही थी इसमें। तो सबसे पहले हम एक बार इसका सीट मैट्रिक्स देख लेते हैं। तो इस कॉलेज में टोटल 100 सीट्स हैं। इसमें एमबीबीएस के लिए जनरल कैटेगरी की 17 सीट्स हैं। जनरल कैटेगरी में ऑल इंडिया का किसी भी कैटेगरी का किसी भी स्टेट का कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। इसके बाद में इसमें नॉर्थ ईस्ट कैंडिडेट के लिए 17 सीट्स हैं। तो नॉर्थ ईस्ट स्टेट में जो आसाम के रहने वाले हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर और सिक्किम के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए ये सीटें रिजर्व हैं। नॉर्थ ईस्ट कैटेगरी की ये टोटल 17 सीट रिजर्व हैं। इसमें एक सीट इसमें डिफेंस कैटेगरी की है। तो डिफेंस में वो कैंडिडेट आते हैं जो सिक्किम में जिनके पेरेंट्स अभी सर्विस कर रहे हैं, वो कैंडिडेट इसमें डिफेंस कैटेगरी में आते हैं। इसके बाद में सिक्किम गवर्नमेंट की 50 सीट्स हैं। जो सिक्किम के डोमिसाइल्ड कैंडिडेट हैं वो 50 सीट्स के लिए एलिजिबल हैं। इसके बाद मैनेजमेंट कोटा की 15 सीट्स हैं। तो मैनेजमेंट कोटा के अंडर सभी कैंडिडेट आते हैं। इसमें एनआरआई कैंडिडेट भी इस कोटा के अंडर अप्लाई कर सकते हैं। जो जनरल कोटा की फीस है वो भी काफ़ी ज़्यादा है और मैनेजमेंट कोटा की फीस तो बहुत ही ज़्यादा है इसमें। तो इस प्रकार से ये कैटेगरी वाइज टोटल 100 सीट्स हैं इसमें। इसमें एमबीबीएस के लिए एडमिशन नीट स्कोर पर ही होता है। अब हम इसके फीस की बात करें तो मैं आपको ये पहले बता चुका हूं कि इस यूनिवर्सिटी की फीस काफी ज्यादा है। एमबीबीएस की फीस की बात करें तो मैंने जो आपको सीटें बताई थी, जनरल कैटेगरी की 17 सीट्स हैं, नॉर्थ ईस्ट कैटेगरी की 17 सीट्स हैं, इसके अलावा डिफेंस की एक सीट है। तो इन 35 सीट्स के लिए जो फीस है वो एमबीबीएस की फीस इसमें एनुअल यानी कि जो वार्षिक है एक साल की फीस 17 लाख रुपए है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में आपको 8,84,000 रुपए फीस देनी होगी और दूसरे इंस्टॉल में भी आपको यही फीस देनी होगी। तो इस प्रकार से ये टोटल इन तीनों कैटेगरी के लिए फीस एक साल की 17 लाख रुपए है। ये 4.5 साल का कोर्स है। इसके बाद में हम बात करें मैनेजमेंट कोटा की, जो 15 सीट हैं उसमें कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। एनआरआई कैंडिडेट भी इसमें इंक्लूड हैं। तो इसमें एमबीबीएस की जो फीस है एक साल की वो 32 लाख रुपए है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में आपको 16,64,000 रुपये पे करना है, सेकेंड में भी उतना ही पे करना है। इसके बाद में इसमें जो सिक्किम के कैंडिडेट हैं जिनके लिए 50 सीट रिजर्व हैं उनके लिए जो फीस है वो 7,12,000 रुपए सालाना है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में 3,70,000 और सेकंड में ही उतना ही पे करना होगा। अब इसके हम हॉस्टल फीस की बात करें तो इसमें डबल शेयरिंग नॉन एसी रूम के लिए हॉस्टल के लिए
40,000 रुपये वार्षिक है इसमें। इसके बाद में एनुअल मैथ्स का जो खर्चा है वो 77,000 रुपये है। टोटल मिलाकर 117,000 रुपये है, यह सालाना पे करना है इसमें। इसके बाद में सिंगल नॉन एसी के लिए हॉस्टल फीस है वो 65,000 रुपये है। इसके बाद में मैथ्स का जो खर्चा है इसमें वो 77,000 है। इन सब को मिलाकर 142,000 हो जाता है। डबल शेयरिंग एसी रूम के लिए 80,000 रुपये हॉस्टल फीस है, 77,000 रुपये मैथ्स है। इसके बाद में 157,000 टोटल पड़ जाता है इसमें। इसके बाद में सिंगल एसी रूम के लिए 130,000 हॉस्टल है। इसके बाद में वही 77,000 सभी के लिए मैथ्स है। इसके बाद में टोटल करते हैं हम तो इसका 207,000 रुपये ईयरली पड़ जाता है। तो हॉस्टल भी इसका काफ़ी महंगा है और मैथ्स भी इसका काफ़ी महंगा है। अब हम बात करें कि इसके लिए अप्लाई कैसे करें, तो आपको smu.edu.in पर विजिट करना होगा। जैसे ही इसकी वेबसाइट हम ओपन करेंगे अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है। अप्लाई नाउ पर क्लिक करने के बाद में इस प्रकार के इम्पोर्टेंट लिंक्स आ जाते हैं। इसमें हमने SMIMS मेडिकल एडमिशन 2020 पर क्लिक करना है। तो इसमें इम्पोर्टेंट लिंक्स आ जाते हैं। अगर अप्लाई ऑनलाइन करना है तो क्लिक हेयर पर क्लिक करना है। अगर डाउनलोड प्रोस्पेक्ट्स करना है तो क्लिक हेयर पर क्लिक करना है, या फिर फीस डिटेल देखनी है तो इस पर क्लिक करना है। मैंने आपको फीस डिटेल बता दी है। अगर अप्लाई करना है तो अप्लाई ऑनलाइन क्लिक हेयर पर क्लिक करेंगे तो पहले रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद में आपको लॉगिन करना है और ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करने के बाद में जो हार्ड कॉपी आती है उसको आपने सबमिट करना है एडमिशन ऑफिसर मेडिकल कैंपस सिक्किम मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज 5th माइल ये गंगटोक में। आपको ये इस एड्रेस पर भेजना है आपने ये हार्ड कॉपी इसकी। इसके बाद में इसके एप्लीकेशन की फीस की बात करें तो इसमें 1,000 रुपीज़ एप्लीकेशन फीस पे करनी होगी। इम्पोर्टेंट डेट्स देखें तो ये 10th दिसंबर 2019 को ये फॉर्म स्टार्ट हो गए थे और इनकी लास्ट डेट 13th जून 2020 है। मतलब यह है कि आप नीट का रिजल्ट आ जाने के बाद भी इस यूनिवर्सिटी के लिए आप ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं, इसमें एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आप जैसे ही नीट का रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद में आप इसके लिए अप्लाई करें। इसके बाद में जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है MBBS के लिए वो सेम नीट का ही है और नीट स्कोर पर ही इसमें एडमिशन होगा। एज का भी सेम नीट की तरह ही है इसमें। इसके बाद जो MBBS के लिए डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट है वो इस प्रकार से है। आपको नीट स्कोर कार्ड चाहिए, इसके बाद में नीट एडमिट कार्ड ओरिजिनल होना चाहिए, क्लास 10th की मार्कशीट ओरिजिनल, क्लास 10th का पास सर्टिफिकेट ओनली, क्लास 12th की मार्कशीट और क्लास 12th का पास सर्टिफिकेट ओरिजिनल होना चाहिए। इसके बाद में बर्थ सर्टिफिकेट या फिर यहाँ 10th की मार्कशीट भी चल सकती है। इसके बाद माइग्रेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम प्रीवियस यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। इसके बाद में कंडक्ट या फिर करेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके अलावा TC ओरिजिनल होनी चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर आप सिक्किम से या फिर जो अदर कैटेगरी के जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट हैं उनके उनसे बिलोंग करते हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए वहाँ का। इसके बाद में गैप सर्टिफिकेट चाहिए और इसमें डॉक्यूमेंट्स एडमिशन के टाइम में अगर आप डिफेंस कैटेगरी से या फिर नॉर्थ ईस्ट कैटेगरी से हैं तो उनका भी आपको सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके बाद में इसमें 4 पासपोर्ट साइज के फोटोग्राफ होने चाहिए, इसमें आधार कार्ड पैन कार्ड और इसमें जो आपका ID है वो होना चाहिए इसमें। ये डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। हम इसकी कट ऑफ की बात करें तो जनरल कैटेगरी की कट ऑफ जिसमें आउट स्टेट कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं और जिसकी फीस 17,00,000 रुपये पर ईयर है उसकी कट ऑफ 350 मार्क्स रहने की संभावना है। तो दोस्तों ये जानकारी थी SMU यूनिवर्सिटी में एडमिशन के बारे में। इसके रजिस्ट्रेशन 10th दिसंबर 2019 से स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट इनकी 13th जून 2020 है। तो आपका नीट स्कोर के बेस पर ही इसमें एडमिशन होगा। नीट रिजल्ट 4-5 जून को आ जाएगा, उसके बाद ही आप इस फॉर्म को अप्लाई करें तो अच्छा रहेगा।
आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, वीडियो को लाइक व ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं नई जानकारी के साथ में नए वीडियो में, तब तक लेते हैं आपसे विदा। जय हिंद।